हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि ये जल को अवशोषित करते हैं जल अवशोषण करने की इनमें क्षमता होती है ठीक है जल अवशोषण करने की इनमें क्षमता होती है ठीक है क्या होता है जल अवशोषण करने की क्षमता होती है और ये अवशोषण करने के बाद क्या होते हैं फूल जाते हैं और क्या कहते हैं डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं डिस्पर्सल मतलब उसका जो है बिखराव बिखराव ठीक या उसको तोड़ना ठीक है इसमें क्या करते हैं ये मदद करते हैं आपके नेक्स्ट कह रहा वातावरण में ह्यूमिडिटी की कमी या अधिकता पर किसमें जब आपका वातावरण में ह्यूमिडिटी मतलब नमी ठीक है क्या कहते हैं नमी या मॉइस्चर की कमी या अधिकता जब कमी होगी तो क्या होगा और अधिकता होगी तो क्या होगा अधिकता पर क्रमशः सिकुड़ते व फैलते हैं जब कमी होगी तो क्या हो जाएंगे ये सिकुड़ जाएंगे ठीक है और अधिकता हो जाएगी मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा या मौसम ज़्यादा आपका नम हो जाएगा तो कैसे हो जाएंगे ये फैल जाएंगे ठीक है जब कमी होगी आर्द्रता की तो कैसे हो जाएंगे सिकुड़ जाएंगे ठीक है मान लो ये आपका एक ये आपका एलिटर्स है कमी होने पर कैसा हो जाएगा ये आपका सिकुड़ जाएगा ठीक है और अधिकता होने पर क्या हो जाएगा ये दोबारा से आपका जो है फैल जाएगा ठीक तो ये इन पर सीधा प्रभाव पड़ता है ठीक है किसका ह्यूमिडिटी का या नमी का प्रक्रिया के से उत्पन्न झटके बीजाणुओं को हवा में फेंक देते हैं जब ये फैलते हैं मान लो सिकुड़ गए जब ये सिकुड़ जाएंगे तो इसके आसपास जो आपके बीजाणु होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं इनके पास आ जाते हैं जब ये फैलते हैं तो क्या होंगे वो दूर दूर जाएंगे और क्या कर देते हैं ये बीजाणुओं को क्या कर देते हैं हवा में फेंक देते हैं जब ये बड़े होते हैं फैलते हैं तो जो बीजाणु होते हैं इसके पास पास लगे हुए वो क्या हो जाते हैं वो एकदम से इनसे दूर दूर फैल जाते हैं और हवाए में चले जाते हैं कह रहे हैं पेलिया के कैप्सूल में इलेटर्स के अलावा एक बेसल इलेक्ट्रोफोर भी प्रेजेंट होता है किसमें अब ये बात आपको ध्यान रखने वाली कि जो आपका पीलिया का कैप्सूल होता है पेलिया का कैप्सूल होता है इसके इलेटर इसके कैप्सूल में इलेटर्स के अलावा क्या होता है एक बेसल इलेक्ट्रोफोर होता है मान लीजिए कि आपका पेलिया का कैप्सूल है ठीक है कुछ इस तरह से इसकी रचना है अब इसमें क्या होगा एक आपका कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोफोर होगा ठीक है जो क्या होगा इसके बेसल से बंधा रहेगा या चिपका रहेगा तो इसी को कहते हैं बेसल इलेट्रोफोर कहते हैं ठीक है थीक? जो किसमें इसमें होता है पेलिया के कैप्सूल में इलेक्ट्रो इलेटर्स के अलावा क्या होता है बेसल इलेक्ट्रोफोर होता है यही इसका एक मेन गुड़ भी होता है ठीक है ध्यान रखना करें पेलिया के स्पोरोफाइट का लाक्षण गुण इलेटोफोर की उपस्थिति है जो पेलिया का स्पोरोफाइट होता है उसका एक ये कैसा है लाक्षण गुण है क्या लाक्षण गुण है कि इसमें क्या होता है एक बेसल इलेटोफोर होता है ठीक है इस बात को ध्यान रखना है समझ गए अगर हम इसकी बात करें ठीक है इसकी ये स्ट्रक्चर आपको दे रखा है एंथोसरोस ये दिख रहा चल अब दिख गया ओ नो बस बस ठीक है दिख रहा तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये आपका क्या है एंथोसिरोस ठीक है क्या है आपका एंथोसिरोस है एंथोसिरोस स्पोरोफाइट में आपका स्यूडो इलेटर्स ये एंथोसिरोस का एलेस है ठीक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है इसमें क्या है आपका सूडो इलेटर्स है क्या है सीडो इलेटर्स तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपका नीचे का भाग होता है इसको हम कहते हैं गैमिटो क्या कहते हैं ये जो आपकी संरचनाएं दिखाई दे रही है ये क्या है आपका गहमिटो है अब गैमिटो में क्या रहता है हमने पहले पढ़ा था कि इसमें आपका फुट धसा रहता है क्या धसा रहता है फुट फुट का काम क्या होता है जल को अवशोषित करना और इसको ऊपर कैप्सूल तक पहुंचाने का काम होता है ये आपका क्या होता है मैरिस्टमेटिक रीजन क्या होता है मैरिस्टेम रीजन ठीक है किसमें आपका ये भी फुट के अंदर ही पाया जाता है इससे थोड़ा अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो ये क्या होता है शीट जो ये आपको कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये क्या है आपकी शीट है ठीक है इन्हें कहते हैं गैमिटोफाइटिक टिश्यू क्या कहते हैं गैमिटोफाइटिक टिश्यू यानी कि इन्हीं से मिलकर गेमिट का गेमिटोफाइट का निर्माण होता है इसके थोड़ा ऊपर पढ़ोगे तो बढ़ोगे तो ये आपको कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई दे रही है ठीक है ये ठीक है स्टेयर लाइक तो ये क्या है आपकी जैकेट है जो कि उसको ढाके हुए हैं ठीक है कवर किए हुए हैं इसके अंदर जैकेट के अंदर वाली ये जो संरचना है आपको कुछ दिखाई दे रही है इस तरह की ठीक है ये आपकी जैकेट के अंदर की संरचना है इसके जैकेट के अंदर की इनमें छोटे छोटे आपको स्पोर्स नजर आ रहे हैं तो जैकेट के अंदर ये संरचना है इन्हें क्या कहते हैं स्पोर मदर सेल क्या कहते हैं इनको स्पोर मदर सेल कहते हैं यही आगे चल के यंग स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं थोड़ा और ऊपर पढ़ोगे तो बढ़ोगे तो ये स्पोर क्या हो जाएंगे यंग इलेटर बना लेंगे क्या बना लेंगे यंग इलेटर यानी कि कुछ इस तरह की आपकी संरचनाएं जो है ये बना के तैयार कर देंगे ठीक है इसके इसके और बीच में जो आपका यंग इलेटर है यहाँ पर आपका ये क्या है आपका स्पोर मदर सेल है इसके अंदर आपका क्या होगा यहाँ पर आपका यंग यंग इलेटर आ जाएगा इसके अंदर वाली जो और संरचनाएं हैं ठीक है थीक? इसके अंदर जो और संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है ये वाली यहाँ पर तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉलू मेला हो जाएगा क्या हो जाएगा सबसे बीच वाला भाग क्या हो जाएगा आपका कॉलू मेला हो जाएगा इससे जब ऊपर बढ़ोगे तो ये स्पोर अब और बड़े होने लगे ठीक है स्पोर कैसे हो गए बड़े हो गए ये स्पोर कैसे हो गए आपके कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं ठीक है थीके? कुछ इस तरह के अब इनको कहेंगे यंग स्पोर अब ये स्पोर कैसे हो गए यंग यानी कि वृद्धि करके थोड़े बड़े हो गए फूल है इसके बाद ये जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही है कुछ इस तरह की कुछ इस तरह की जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है ठीक है ये तो इन्हीं को कहते हैं सीडो इलेटर्स क्या कहते हैं सीडो इलेटर्स इलेटर्स वैसे कैसे होते हैं आपके इलेटर्स e मान लो कुछ इस तरह की जो है आपकी संरचनाएं होती हैं ठीक है कुछ इस तरह की आपकी संरचनाएं होती हैं जो कि किनारों पर पतली और बीच में हल्की मोटी होती हैं लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो ये क्या है अपने खंडों में डिवाइड हुआ नजर आ रहा है ठीक है किसमें खंडों में डिवाइड हुआ नजर आ रहा है तो इसको कहते हैं सीडो इलेटर्स क्या कहते हैं सीडो इलेटर्स थोड़ा अगर हम ऊपर पढ़ें ऊपर बढ़ें तो कह रहा है मेच्योर इस्पोर्ट अभी जो आपका स्पोर था यंग स्पोर अब कैसा हो गया ये बड़ा हो गया मेच्योर हो गया इसमें से सब अलग अलग कोशिकाएं बन गई इसमें चार थी अब ये चारों कोशिकाएं आपकी अलग अलग हो गई और ये कैसा हो गया आपका मेच्योर हो गया इसके अंदर जो आपके सीडो इलेटर्स होते हैं क्या होते हैं सीडो इलेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं सीधे वायुमंडल में जो आपकी मॉइस्चर होता है या ह्यूमिडिटी होती है इसका सीधा इन पर प्रभाव पड़ता है जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है या नमी ज़्यादा होती है अधिक हो क्या होते हैं ये फैल जा मतलब एकदम से फैल जाते हैं जब फैल जाते हैं तो ये आपके स्पोर्स क्या चले जाते हैं इनकी सहायता से बाहर हवा में चले जाते हैं ठीक है यही कह रहा समझ आ गया इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा तो दूसरा इसमें है पेलिया क्या है आपका पेलिया स्पोरोफाइट इस ये भी आपकी क्या है लॉन्गिट्यूटनल स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है इलेटर्स या बेसल इलेटोफोर क्या होता है इलेटर्स या बेसल इलेटोफोर होता है तो अगर हम बात करें पेलिया की ठीक है किसकी पेलिया की अगर हम बात करें थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको ये आ गया तो ये क्या है आपका पेलिया की एल एस ठीक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर मतलब बीच में से इस तरह से इसको कट कर दिया गया ये पेन है इसको बीच में से अगर कट कर दो तो इसके दो भाग आ जाएंगे जिसमें से आप सामने वाले भाग को अंदर इसके अंदर क्या है सब आप आसानी से देख सकते हो इसी तरह से इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है इसमें क्या है सबसे नीचे वाला भाग जो आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है ये क्या है आपका ये आपका कहलाता है फुट क्या कहलाता है आपका फुट कहलाता है इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ठीक है कौन सा ये वाला भाग तो ये क्या कहलाता है आपका सेटा कहलाता है क्या कहलाता है सेटा इसके ऊपर जो आपको एक गोल संरचना दिखाई दे रही ठीक है गोल संरचना जो आपकी कैसी बाई लेड है तो इसके अंदर जो आपको स्पोर नजर आ रहे हैं छोटे छोटे ठीक है ये गोल संरचनाएं छोटी छोटी दिखाई दे रही इनको कहते हैं स्पोर्स क्या कहते हैं ये गोल संरचना आपकी स्पोर कहलाती है और ये आपके कुछ इस तरह की ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही फील्ड लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसी टाइप की तो यही क्या है आपके इलेटर्स हैं ये क्या है आपके इलेटर्स हैं और ये जो सब ये जो अंदर वाली लेयर है ये क्या है आपकी जैकेट ठीक है अंदर वाली लेयर आके है आपकी ये वाली जैकेट और सबसे बाहर वाली लेयर क्या है ये आपकी कैलेप्ट्रा बाहर वाली लेयर क्या है आपकी कैलेप्ट्रा अब इसमें बचा क्या ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ इस तरह से ठीक है यहाँ पर ये जो बिल्कुल बेस में है इसके बेस में नीचे है उसके आधार पे तो इसी को कहते हैं बेसल क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफोर में इलेक्ट्रोफोर में 20 से 100 तक दीर्घ इलेटर्स का ग्रुप होता है ये जो आपका पूरा इलेक्ट्रोफोर है इसमें ये जो आपके इलेटर्स दिखाई दे रहे हैं ये कितने हो सकते हैं आपके 20 से कितने सौ तो तक ठीक है बीस से सौ तक लीटर्स का ग्रुप इसमें आपको देखने को मिल सकता है ठीक है जो कैप्सूल के बेस के अपेक्ष की ओर रेडिएटिंग रेडिएटिंग पाए जाते हैं ठीक है कहा पाए जाते हैं कैप्सूल के बेस से अपेक्ष की ओर ये जो आपका कैप्सूल है इसमें ये देखो कैप्सूल आपका यहां पर पाया जाता है ठीक है बीच में क्या होता है आपका कैप्सूल होता है ठीक है अब कैप्सूल से ऊपर की ओर ठीक है कैप्सूल से ऊपर की ओर रेडिएटिंग करते हुए ये आपको नजर आते हैं ठीक पेलियो में पेलिया में भी प्रत्येक इलेटर में दो स्पायरल या थिकनिंग बॉन्ड्स होती है थीकह? दो स्पाइरल थिकनिंग बॉन्ड होती है ठीक है दो स्पायरल थिकनिंग बॉन्ड ये होती है दो स्पाइरल ठीक है एक ये एक ये दोनों कैसे होती हैं स्पाइरल होती है ठीक है स्ट्रक्चर लैक स्प्रिंग लैक ठीक है घूमी हुई ठीक है इस तरह की संरचना स्पायरल कहलाती है इलेटर्स तथा इलेटोफोर कैप्सूल के कैप्सूल के Descence या स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं किसमें जो आपके इलेटर्स होते हैं या इलेटोफोर होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं कैप्सूल के डेसेंस या कैप्सूल की वृद्धि या आपके स्पोर डिस्पर्सल या स्पोर का बिखराव या स्पोर का टूटना इसमें क्या करते हैं ये आपके सहायता करते हैं ठीक है थीके? तो ये तो हो गया आपका क्या पढ़ा था हमने इलेटर्स e पढ़ा था क्या पढ़ा था इलेटर्स e पढ़ा था सीडो इलेटर्स पढ़ा था और क्या पढ़ा था इलेक्ट्रो फोर पढ़ा था इलेटर्स सीडो इलेटर्स और इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो फोर पढ़ा था ठीक है आई होप कि आपको समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में बन रही है हमारे साथ ये हम कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें हमने ए और बी पढ़ लिया ठीक है ए और बी पढ़ लिया ठीक बन रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग